नेक्स्ट में आपको दिखाया था मैंने, आपका जनरल अपीयरेंस का हो गया था, आप स्किन कंडीशन का आपने दिख लिया था। स्किन कंडीशन के बाद में होता है हेड एंड फेस का, हेड एंड फेस का। हेड का भी क्या होता है कि पेशेंट का डल है, पेशेंट का हेड शेप देखना है कि वो डल है या स्कल्प को देखना है, ठीक है। स्कल्प को देखने के बाद में ड्राई हो रहा है या कैसा हो रहा है, क्लीन है या डेंड्रफ है, उसकी चीज़ को चेक करना होता है। देन फेस को उसका पूरा पोस्चर को चेक करना होता है। देन नेक्स्ट आता है इसका आइज। आइज क्या होता है, आइज में आइज को क्लोज करने के बाद में ये देखने होता है, आईब्रो को चेक करना होता है कि यस है या नहीं है, नो, ठीक है। आई लेसेस हैं, आई लेसेस के देखना है, आई लेसेस के बाद आई लीड को कंफर्मेशन करना है, आई बॉल के बारे में पता करना है, और आई बॉल के बाद कंजेक्टिवा, ठीक है। ये इसमें देखना है कि ड्राइनेस तो नहीं है किसी का, ये पानी बाहर ज़्यादा आता है तो उसी को चेक करना था, आई बॉल में कोई पूर्ण नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट या ग्लूकोमा तो नहीं है, इस चीज़ों को डिसीज कंडीशन को चेक करके बताना है, ठीक है। तो इसी चीज के देखने के साथ साथ में नेक्स्ट में आपका आता है फिर ईयर्स। ईयर्स में नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट का ईयर्स को चेक किया जाता है। तो ईयर में क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर को चेक किया जाता है, जो बाहरी हिस्सा होता है उसको चेक करना होता है। देन नेक्स्ट में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो कान का पर्दा ही बोलते हैं, उसको चेक करना होता है। हियरिंग के बारे में पता किया जाता है, हियरिंग के बारे में जो जैसे लॉस ऑफ हियरिंग हो रही है, सही सुनाई आ रही है नहीं आ रही है, उस चीज़ के लिए। देन नेक्स्ट आता है नोज़ का। तो नोज़ में हमें नॉर्मली चेक करना होता है नेजल सेप्टम का। ये टू वे होते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स होते हैं, यानी कि जो सांस लेने का रास्ता होता है उसमें सही होते हैं, या नेस्टल यानी किसी नाक का मांस बड़ा होना या किसी में नाक में सांस लेने की वजह से ये होता है। देन नेक्स्ट आता है माउथ एंड फेरिंग्स का। माउथ एंड फेरिंग्स में क्या होता है, पेशेंट के जो लिप्स होते हैं उसको चेक करना होता है, ड्राई होते हैं या कैसे। देन नेक्स्ट वो देखना होता है कि नेक्स्ट में कि ऑर्डर ऑफ स्मेल, ठीक है, ऑर्डर ऑफ माउथ में यानी कि स्मेल, माउथ से स्मेल तो नहीं आ रही है। नेक्स्ट आएगा टीथ, टीथ के द्वारा उसको चेक किया जाता है कि टीथ में कोई भी पस फॉर्मेशन या ब्लीडिंग होना, गम नोट्स में होना, या फिर उसके बारे में चेक करना होता है। देन नेक्स्ट आता है इसका गम्स का, फिर माउथ का म्यूकस मेम्ब्रेन। पूरा मुंह खोलने के बाद में म्यूकस मेम्ब्रेन देखा जाता है, ड्राई किया जाता है, उसके बारे में पूरा होगा या नहीं होगा। देन नेक्स्ट है टंग को, जीभ को चेक किया जाता है, उसमें ड्राइनेस है या नहीं, वाइट है, फैल रहा है या पीले कलर की तो नहीं है, उसके बारे में पूरा चेक किया जाता है। देन नेक्स्ट है थ्रोट और फेरिंग्स, ईयर टॉन्सिल यानी कि नोट्स के द्वारा यहाँ कोई गम्स में कोई टॉन्सिल वोन्सिल तो नहीं है या रेडनेस पूरे माउथ में तो नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका नेक। नेक में क्या होता है, नेक मीन्स होती है गर्दन, गर्दन के लिए बारे में लिफ नोट, ये जो किसी किसी के लिफ नोट या गांठे हो जाती है उसको चेक किया जाता है। देन थायराइड ग्लैंड को चेक किया जाता है कि इनलार्ज है या लार्जमेंट है, ठीक है, अनलार्ज है। देन रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, और पूरा ये खाना खाने निकलने का पूरा मोशन में ठीक होता है। देन नेक्स्ट आता है चेस्ट। चेस्ट क्या होता है, थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी में पूरा प्रॉपर चेक करना होता है। थोरेक्स में थोरेसिक कैविटी ये है, यहाँ से लेकर चेस्ट कैविटी को पूरा चेक करना होता है। देन नेक्स्ट है ब्रेथ साउंड, ब्रीथ साउंड को उसको चेक करना होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है। देन नेक्स्ट होता है हार्ट, हार्ट साउंड को S1 S2 को चेक किया जाता है। देन नेक्स्ट होता है ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट के बारे में जो टू निप्पल्स होते हैं उनको कंफर्टेबल है अनकंफर्टेबल को प्रॉपर चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको होता है। तो नेक्स्ट आता है, मैंने आपको उसमें बताया था कि जो बैड टेक्निक होती है तो उसका जो हमारा मेथड होता है, मेथड में हमारा उस फर्स्ट में होता है कि एब्डोमन को कैसे होता है, फर्स्ट में इंस्पेक्शन होगा, ठीक है। इंस्पेक्शन में क्या होगा, मैंने आपको बताया था निरीक्षण, पूरी बॉडी का निरीक्षण किया जाता है, पूरी बॉडी का निरीक्षण किया जाता है। और निरीक्षण के साथ में दूसरा है पैल्पिटेशन, ठीक है। पैल्पिटेशन मीन्स होता है वो किसी चीज़ को स्पर्श करना, यानी कि पूरे डिसकम्फर्ट है या नहीं कम्फर्ट है उसको पूरी तरह से फील करना। द नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टैपिंग, ठीक है। टैपिंग में ये कि एसाइटिस का कोई भी पेशेंट होता है तो उसको चेक करना होता है, तो उसके लिए द्वारा क्या पैल्पिटिंग होता है, तो पैल्पिटिंग के द्वारा इसको थंब के द्वारा रखने के बाद इसको टू फिंगर के बिटवीन के बीच में ये टैपिंग करके देखना होता है। तो जैसे ही मूवमेंट ऊपर आता है तो यानी कोई भी एसाइटिस या पानी का भरा होना या गैसेस का पासेज होने की वजह से ये पूरा पता चलता है। देन नेक्स्ट आता है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन मीन्स होता है किसी चीज़ को हियरिंग करना यानी सुनना, ठीक है। जैसे स्टेथोस्कोप के द्वारा किसी को अपने हार्ट बीट के द्वारा इसकी हियरिंग सुनना, तो ये हमारा आता है अस्कल्टेशन। फर्स्ट हो गया हमारा इंस्पेक्शन यानी किसी चीज़ का निरीक्षण करना, कोई भी बॉडी के पार्ट में डिजेबिलिटी है या मूवमेंट है, जैसे मूवमेंट हो रहा है तो वो साइन ऑफ फ्लूड के द्वारा उसको चेक करना, जैसे फ्लेक्सिबल होता है पैर के द्वारा इसको चेक करना होता है। नेक्स्ट आता है पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन होता है इंस्पेक्शन करना यानी कि इस चीज़ का फीलिंग करना, फीलिंग ऑफ एनी बॉडी के द्वारा उसको फीलिंग में करना। नेक्स्ट आ जाता है आपका
परकसिंग, परकसिंग के द्वारा टैपिंग होता है, टैपिंग के द्वारा उसको चेक करना होता है कोई भी मोशन नहीं मिल रहा हो, तो जिसमें पेट में कोई एसआईटी से पानी भरा होने के कारण या कोई टेंडरनेस होने के कारण से, तो इसमें पूरा पैल्पिटेटिंग पैल्पिटेशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है अल्कल्टेशन। अल्कल्टेशन के द्वारा हम अपना क्या पेशेंट की जो हार्ट बीट होती है उसको चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आएगा आपका एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ में, एक्सट्रीमिटीज़ में शो करना है। तो एक्सट्रीमिटीज़ में हमें नॉर्मली क्या होता है, एक्सट्रीमिटी लोअर जॉइंट होते हैं, देन अपर जॉइंट होते हैं, देन लोअर जॉइंट होते हैं। ठीक है, अपर जॉइंट के द्वारा चेक करना होता है, देन लोअर जॉइंट के द्वारा। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में यानी कि पैरों का मूवमेंट हो रहा है, ये जो नी है उसका मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा उसको पूरा करते हैं। देन नेक्स्ट है लोअर जॉइंट के द्वारा, लोअर जॉइंट के द्वारा स्पाइनल फ्लूड होता है घुटनों के द्वारा में, इसको पूरा चेक करा जाता है कि पूरा फ्लेक्सिबल है या नहीं है। ठीक है, नहीं ये पूरी चीज़ें इसको चेक करना जाता है। फिंगर को चेक करा जाता है, एंकल ओडिमा तो नहीं है, ये एक्सट्रीमिटीज़ में कभी भी सूजन तो नहीं आई है, इस चीज़ को हमें उसको प्रॉपर चेक करना होता है। देन नेक्स्ट आता है बैक। ठीक है, कर्व एरिया है या नहीं है। देखिए बैक में यहाँ क्या होता है, ये बैक पोर्शन होती है, तो ये हमारे स्पाइनल कोड द्वारा ये वर्टिब्रा है, तो इसमें वर्टिब्रा से कभी कोई कर्व हो रहा हो या साइन हो रहा हो तो इसकी चीज़ को चेक किया जाता है। ठीक है, तो जैसे बोलना स्पाइनल बाइफिडा में थोड़ा मॉडरेट में चेंजेस हो रहा होता है, तो चेंजेस होना भी दिक्कत देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जेनेटल एरिया का, जेनेटल एरिया देन रेक्टम, जेनेटल एरिया देन रेक्टम। रेक्टम में इसके द्वारा यूरिनरी ब्लैडर को चेक करना होता है कि पासेस है या अनपासेस हो रहा है। देन रेक्टम के द्वारा उसको चेक करना होता है कि उसका पासेस जो स्टूल है वो पूरी तरह पासेस हो रहा है नहीं है। देन टेस्टिस को चेक किया जाता है टेस्टिस के द्वारा में कि उसके टेस्टिस इनलार्ज या अनलार्ज तो नहीं है। देन नेक्स्ट में उसको चेक किया जाता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन हेमोराइड्स, कोई भी बाउसीर की कोई दिक्कत तो नहीं है बाउसीर के साथ में। देन नेक्स्ट कोई भी बॉडी के अंदर में या स्टूलमेंट में लार्जमेंट तो नहीं है। ठीक है, उसके साथ में फर्स्ट में उसको क्या जेनेटल का पूरा प्रॉपर चेक करेगा, टेस्टिस को चेक किया जाता है टेस्टिस बड़े हुए हैं या नहीं बड़े हुए हैं, स्टूल को प्रॉपर चेक किया जाता है स्टूल पासेस हो रहा है या अनपासेस हो रहा है। देन वेजाइनल डिस्चार्ज को चेक किया जाता है वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन बॉडी के अंदर हेमोराइड्स यानी बाउसी जिसको बोलते हैं, स्टूल पास होने के बाद मस्से थोड़े से बाहर आ जाते हैं, वो ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, या बॉडी के अंदर जेनेटल एरिया के आसपास में कोई भी सूजन आ जाती है, ओडिमा आ जाती है, इनलार्जमेंट होता है, उसको चेक करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा न्यूरोलॉजिकल टेस्ट। न्यूरोलॉजिकल लास्ट टेस्ट होता है, लास्ट टेस्ट में हमारा उसका चेक किया जाता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। जैसे किसी पेशेंट से पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन, बैठा जा रहा है, उठा जा रहा है या उससे चला जा रहा है, वो सब उसका कोऑर्डिनेशन है। देन नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम टेस्ट। इक्विलिब्रियम टेस्ट में नॉर्मली उसके सेंसेस को उसका चेक किया जाता है, वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कितनी उंगलियाँ हैं, तो वो कौन से उसमें अपना बता सकता है, चार, तो वो अपने नॉर्मली ठीक है, उसमें यही चीज़ का मेजरमेंट किया था कि नॉर्मली है या अननॉर्मल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लास में पूरा प्रॉपर बता दिया, डेमोस्ट्रेशन के साथ में बता दिया है कि फर्स्ट में हमारा फिजिकल असेसमेंट टॉपिक है। फिजिकल असेसमेंट में फिजिकल ऐसे नहीं है कि आप जब पढ़ेंगे फिजिकल असेसमेंट तो सर हिस्ट्री टेकिंग नहीं है। हिस्ट्री टेकिंग के साथ साथ मैंने आपको बताया कि जब पेशेंट होगा तो जब भी आप हिस्ट्री टेकिंग ले सकते हैं, अचीवमेंट में नहीं ले सकते हैं। तो फर्स्ट में आपको बताया था कि वो पेशेंट होगा तो हिस्ट्री टेकिंग जरूरी है। हिस्ट्री टेकिंग के साथ में आइडेंटिफिकेशन डाटा, आइडेंटिफिकेशन डाटा में पेशेंट की हिस्ट्री चेकिंग कर ली है, हिस्ट्री चेकिंग के साथ में उसकी प्रेजेंट पास्ट और सर्जिकल अदर मेडिकल, मेडिकल के साथ में उसका फैमिली हिस्ट्री करनी है, फैमिली हिस्ट्री के साथ में आपको फैमिली ट्री बनाना है, फैमिली ट्री के साथ साथ उसका मेजरमेंट करना, फिर पर्सनल हिस्ट्री लेनी है, पर्सनल हिस्ट्री के बाद में फिर जनरल अपीयरेंस के बारे में समझाना है, जनरल अपीयरेंस के बाद में फिर ये मेंटल स्टेटस के बाद में आए हुए। फिर क्लास में आपसे कहना चाहूँगा जिसको समझ में आ रहा है प्रॉपर तो मेरे को बता दें। देन नेक्स्ट में आप मेरे को कोई भी आर्ग्यूमेंट या क्लास के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए जो आर्ग्यूमेंट के साथ हो। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे भी आपको पढ़ाया जाए जो आपको कमेंट का समझ में नहीं आया हो वो मेरे पे मैसेज करके मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू क्लास, गुड आफ्टरनून, थैंक यू।